दोस्तों, जब से BTS ने अपनी ब्रेक की अनाउंसमेंट की है और सोलो काम करने का फैसला किया है, तब से आर्मीज काफी ज्यादा क्यूरियस है कि इस साल BTS का जो वर्ल्ड टूर होने वाला था उसका अब क्या होगा, क्या वो होगा या नहीं, और BTS इंडिया आएंगे या नहीं। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और जल्दी से हमारे K-pop खबर फैमिली का हिस्सा बन जाएं। इसके साथ ही दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते थे कि BTS अपने न्यू एल्बम प्रूफ के आने के बाद कुछ दिनों में अपना वर्ल्ड टूर स्टार्ट कर देंगे और वो अगस्त से स्टार्ट हो सकती थी। इसके साथ ही कुछ कंट्रीज के नाम भी काफी ज्यादा चर्चे में थे, जिन कंट्रीज में BTS की वर्ल्ड टूर हो सकती थी और उसमें हमारे कंट्री इंडिया का भी नाम था। दोस्तों, इस बार पूरी चांसेस थी BTS के वर्ल्ड टूर की और BTS के इंडिया आने की, पर कुछ ऐसा हो जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। दोस्तों, अब ये वर्ल्ड टूर अभी तो नहीं होगी, क्योंकि अभी सारे BTS मेंबर ने BTS को ब्रेक दे दिया है और उन सभी ने अपना सोलो करियर भी स्टार्ट कर दिया है। ऐसे में जब BTS ही ब्रेक पे है तो वर्ल्ड टूर कौन करेगा? तो दोस्तों, अब ये वर्ल्ड टूर तब पॉसिबल होगी जब सारे BTS मेंबर फिर से एक साथ वापस आएंगे, उस वक्त ये कॉन्सर्ट हो सकता है, पर अभी ये वर्ल्ड टूर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही अभी इंडिया में भी BTS के कॉन्सर्ट होने के कोई भी चांसेस नहीं है। दोस्तों, जब से BTS ने ये मेंशन किया था कि उन्होंने 2019 में इंडिया में कॉन्सर्ट करने का प्लान बनाया था, पर कोविड पैंडेमिक के कारण वो अपना कॉन्सर्ट इंडिया में नहीं कर पाए। इंडिया के साथ ही उन्होंने इंडिया में कहाँ कॉन्सर्ट करना है ये भी मेंशन कर दिया था और वो प्लेस थी मुंबई, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया। इसके साथ ही इंडियन आर्मीज ने भी पूरा सोच लिया था कि इस वर्ल्ड टूर में BTS इंडिया को भी जरूर शामिल करेंगे, पर अब BTS ब्रेक पे चले गए हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि जब BTS फिर से अपना कमबैक करेंगे तो वो वर्ल्ड टूर के साथ ही अपना कमबैक करें, और अब जब भी BTS का वर्ल्ड टूर होगा तो पूरे चांसेस हैं कि इंडिया भी उसमें शामिल होगा। इसके साथ ही दोस्तों, BTS का वर्ल्ड टूर होगा क्योंकि एक इंटरव्यू में RM ने कहा था कि अभी उन्हें और भी बहुत सारी वर्ल्ड टूर करनी है, क्योंकि अभी ऐसा बहुत सारा जगह है जहां के आर्मी से वो अभी तक मिले नहीं है। पर अभी रिसेंट इस वर्ल्ड टूर के बारे में तो कुछ भी कह नहीं सकते। अभी सारे BTS मेंबर अपने सोलो करियर को लेकर काफी ज्यादा बिजी हैं और हो सकता है कि वो सभी इस ब्रेक के दौरान अपने मिलिट्री सर्विस पे भी जाएं। खैर, जो भी हो, आर्मीज उनके डिसीजन की जरूरी रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि वो भी इंसान ही है, उन्हें भी अपने लाइफ के डिसीजंस लेने का पूरा ही हक है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।